इंडिया टेक्स ऑन वेस्ट इंडीज़। जी हाँ, न्यूजीलैंड हार चुका है पाकिस्तान से और अब सिर्फ हिंदुस्तान इकलौती टीम है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कोई भी मैच नहीं आ रही है। विल दैट स्ट्रीक बी ब्रोकन बाय वेस्ट इंडीज़, यानी कि क्रिस गेल एंड हिज आर्मी। क्रिस गेल ने अभी अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड कप के बाद रिटायर नहीं हो रहे हैं, बल्कि टीम इंडिया का इंतज़ार करेंगे अगस्त में। हिंदुस्तान वहाँ टेस्ट सीरीज़, वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ खेलने जा रहा है, जो कि अगस्त और सितंबर तक चलेगी। मे बी इस बेशरम वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस के बाद गेल चाहता है, गेल की नहीं टीम की बात करूँ, गेल तो भैया दुनिया हो जाए फेल, बट गेल करता है पानी में सेल। तो गेल तो फेल नहीं होता, टीम फेल हुई है, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। 7 मैचों में सिर्फ 3 पॉइंट है, सिर्फ 1 विक्ट्री पाकिस्तान के ऊपर जिससे उन्होंने शुरुआत की थी वर्ल्ड कप की, उसके बाद कुछ भी नहीं किया इस निकम्मी टीम ने। सो मे बी ही वॉन्ट्स टू एंड हिज करियर ऑन अ हाई, ही इज एमिंग टू बीट इंडिया इन वेस्ट इंडीज़। इन टेस्ट तो खेलेंगे नहीं, वन डे और T20 में हरा कर आई थिंक दैट्स हिज अल्टीमेट एम। हर क्रिकेटर का ये सपना होता है कि इतना ग्लोरियस करियर है, 40 साल उनकी उम्र हो गई है, 25 साल दिए हैं इस स्पोर्ट को, तो जब जाएं तो सर ऊंचा करके जाएं, सर नीचा करके। गेल की रिटायरमेंट तो चलो एक बात थी, बट अभी बात है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। क्या होगा इस मैच का हाल मैनचेस्टर में? बारिश नहीं हो, बारिश हो, इंडिया नीड्स टू विन दिस मैच। वेस्ट इंडीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तभी टीम कई बार कमाल कर जाती है। दे आर नॉट अंडर एनी प्रेशर राइट नाउ एंड दे विल प्ले प्रेशर फ्री क्रिकेट। वैसे भी ये प्रेशर फ्री खेलते हैं भैया, दे धनाधन शुरू हो जाओ, T20 स्पेशलिस्ट तभी, और वनडे में निकम्मे हैं, टेस्ट में बिल्कुल नकारा है। टैलेंट वाइज, परफॉर्मेंस वाइज टीम इंडिया के आसपास भी नहीं है, एंड द वे टीम इंडिया इतनी पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद भी अफगानिस्तान के आगे झुकी नहीं, दैट शोज कि दिस टीम इज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेटल एंड इज हेयर टू विन द वर्ल्ड कप। एंड विराट कोहली विल एनश्योर दैट दे पुट अप अ स्ट्रॉन्ग शो अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। आई प्रिडिक्ट एन नॉट ईजी क्लोज विन फॉर इंडिया इन दिस मैच, लाइक इट वॉज अगेंस्ट अफगानिस्तान। क्योंकि लगता है एक आधा तुक्का ब्रेथवेट का, गेल का तो तुक्का नहीं कह सकते, पर परफॉर्मेंस या एक आधे किसी का भी, इट कैन हैपन। मे बी वो क्या नाम है उसको निकाल दिया बेचारे को, वो KKR वाला रसल, आंड्रे रसल मसल, उसको मौका मिल गया 5-6 ओवर बैटिंग करने का तो शायद कुछ कमाल कर जाए। वैसे इस नकारा आदमी ने वेस्ट इंडीज़ के लिए कभी ढीले की परफॉर्मेंस नहीं दिया, ही हैज़ ऑनली परफॉर्म्ड व्हेन He's got the money, the kind of money he wants from IPL people, KKR people. So let's keep our fingers crossed कि close match मिलता है हमें। I predict an Indian victory. देशभक्तों, धरती भक्तों, हिंदुस्तान का बेटा हूँ तो हिंदुस्तान के बारे में ही बात करूँगा। आपका host, आपका दोस्त, और हाँ मेरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का भैया रिव्यू ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगा। तो आओ मैं याद रखा।